दोस्तों आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, सिर्फ सोचते रहो और कुछ मत करो, बैठे बैठे रील स्क्रॉल करो और अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखो। और दूसरी चॉइस, ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखो और 10 बातों को 7 दिनों के लिए फॉलो करो। 2024 के आने से पहले खुद को इतना डेवलप कर दो कि देखने वाले तुमको देखकर हैरान हो जाएं। देखो, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है, इसलिए जब मौका मिला है तो इसका फुल लाभ उठाओ और ये वीडियो पूरा देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नंबर 1, सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठने से आपके पास पर्याप्त समय रहता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वे सुबह जल्दी उठते हैं, इससे उनको पर्याप्त टाइम मिल जाता है। किसी महान इंसान ने कहा है, आप सफल तभी होंगे जब आप सूरज को जगाएंगे। नंबर 2, हमेशा सीखने की कोशिश करो। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में। जैसे जब दो बड़े बड़े लोग बातें कर रहे हों, दो बिजनेसमैन बातें कर रहे हों, कि उनके मैनर को देखिए, बात करने के तरीकों को देखिए, उनके सीखिए, उनके मैनर को सीखिए। नंबर 3, बोलो कम सुनो ज़्यादा। भगवान ने आपको दो कान दिए हैं, एक मुँह दिए हैं, क्यों? ताकि आप सुनो ज़्यादा, बोलो कम। देखो, तुम जितना कम बोलोगे लोग उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे। कम बोलो, लेकिन जो भी बोलो तार्किकता से बोलो। तोता बोलता बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता, वहीं बाज बोलता कम है लेकिन बादलों को चीरते हुए आसमान में उड़ता है। इसलिए बोलो कम सुनो ज़्यादा। नंबर 4, अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद है तो उसे डायरेक्ट नो बोलो। किसी का मन रखने के लिए यस मत बोलो। अगर तुम्हें पार्टी अटेंड नहीं करनी है तो दोस्तों को नो बोलो। आज भले ही थोड़ा खराब लगेगा, सफलता के बाद सब सही हो जाएगा। नंबर 5, रिस्क लेना सीखो। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप जान की बाजी लगा दो। रिस्क लेने का मतलब खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लाइफ के छोटे छोटे रिस्क लेना सीखो। रिस्क लेने से तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। नंबर 6, समय का सही प्रयोग। ये जो 16 से 24 का गोल्डन एज है, इसे बहुत ही सोच समझ कर खर्च करो, क्योंकि इस उम्र में आपके पास दोगुनी शक्ति होती है। इस उम्र में जोश दोगुना होता है। इस उम्र में बैठकर आप 18-18 घंटे पढ़ सकते हो, आपकी इतनी स्टेमिना होती है। इस गोल्डन एज में आपके पास नई ऊर्जा, नई सोच होती है। इस गोल्डन एज को कहीं फालतू में वेस्ट मत करो। इस गोल्डन एज को अपने आप पर खर्च करो ताकि आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट दिखे। नंबर 7, फालतू चीज़ों को इग्नोर करो। अपने लाइफ में फालतू चीज़ों को इग्नोर करो। अगर कोई सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है तो उसे फ़ोन से डिलीट कर दो। अगर कोई सोशल मीडिया ज़रूरी है तो उसके नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, बस उसको जब काम हो तभी यूज़ करो। बाकी सारे सोशल मीडिया को जो फालतू है उसको डिलीट कर दो, और जो दिन भर तुम्हें काल कर परेशान करता है उसको ब्लॉक करो। नंबर 8, लर्न टू टेक डिसीजन। अपने लिए हुए डिसीजन पर काम करना शुरू करो, क्योंकि बिजनेसमैन लोग जो डिसीजन लेते हैं उसी वक्त उस पर काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए डिसीजन लेकर किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार मत करो, उस पर तुरंत आप काम करना चालू कर दो। नंबर 9, कीप स्माइलिंग एंड स्टे अवे निगेटिव पीपल। अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखो। परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा सामान्य बने रहो और लाइफ निगेटिव विचार वाले लोगों से दूर रहो। अगर आप उनके साथ रहोगे तो आपकी मानसिकता भी निगेटिव में वो लोग बदल देंगे, इसलिए निगेटिव विचार वाले लोगों से एकदम दूर रहो। नंबर 10, ये 9 पॉइंट आपकी तभी काम आएगी जब आप स्वस्थ और सही रहेंगे। अपने 24 घंटे में से अपने शरीर के लिए 30 मिनट निकालो और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से तुम मेंटली फिजिकली फिट रहोगे। अगर फिट रहोगे तभी ये 9 पॉइंट तुम पर काम करेगा। आज की डिजिटली दुनिया में मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये 10 पॉइंट अच्छे लगे हों और आप इस चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली फास्ट लर्नर कैसे बने वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।